हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम पहुंच गए रामेश्वरम में, श्री महेश्वरी भक्त निवास बिल्डिंग नंबर 2। तो यह आप बाहर से बिल्डिंग नंबर 2 का आप इंटीरियर देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम मंदिर के पास में ही है ये। इधर से 100 मीटर की दूरी पर मंदिर का गेट है, यहाँ से मंदिर आने का रास्ता है, और बीच में ही महेश्वरी भक्त निवास बिल्डिंग नंबर 2 है। तो आज हम आपको महेश्वरी भक्त निवास के बारे में सारी चीज़ें दिखाएंगे कि इसमें किस टाइप के रूम्स है, क्या फैसिलिटी है। तो सभी चीज़ सब हम अंदर जाके देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। महेश्वरी भक्त निवास की जो बुकिंग है, दोनों भवनों की, बिल्डिंगों की, अपनी फेज 1 और फेज 2 की जो है yatradham.org के थ्रू बुकिंग आप करवा सकते हैं। तो अंदर एंटर होते ही यहाँ पर हमको सीटिंग एरिया देखने मिल जाता है। तो ये आप सीटिंग एरिया देख सकते हैं, यहाँ पर रिसेप्शन है, और इसी के माध्यम से अब हम रूम की ओर चलेंगे और आपको अब आप एक एक करके रूम दिखाएंगे। तो ये जो रूम आप देख रहे हैं ये 3-बेड नॉन एसी रूम है। ये भी एकदम बढ़िया रूम है, एकदम नीट एंड क्लीन आप देख सकते हैं। तो ये जो रूम आप देख रहे हैं ये 4-बेड एसी रूम है, जिसमें आपको 2-बेड का एक बेड देखने मिल जाएगा और सिंगल सिंगल के आपको 2 बेड देखने मिल जाएंगे। टोटल 4-बेड का ये रूम है, काफ़ी बड़ा है, साथ साथ कबाट भी दिया हुआ है, फैन भी है, और नीट एंड क्लीन रूम है आप देख सकते हैं। इसी की और अब हम इसका लेट बाथ भी देख लेंगे, साथों साथ हाथ धोने के लिए हैंडवॉश भी है, और ये लेट बाथ भी आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूम की ओर। तो ये जो रूम आप देख रहे हैं ये 5-बेड एसी रूम है, जिसमें आपको सिंगल सिंगल के 5 बेड आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया है, 5-बेड एसी रूम। साथों साथ हम इसका लेट बाथ भी देख लेंगे, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश, अलग से आपको टॉयलेट और अलग से आपको बाथरूम भी देखने मिल जाएगा। और इसी की ओर अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूम की ओर। तो ये जो रूम आप देख रहे हैं ये 5-बेड नॉन एसी रूम है। इसमें सिर्फ डिफरेंट इतना है कि मैंने जो पहले दिखाया उसमें आपको एसी मिलेगा, एसी बेड, 5-बेड एसी रूम, और ये जो है वो 5-बेड नॉन एसी रूम है। डिफरेंट कुछ नहीं है, सिर्फ एसी का ही डिफरेंट है, बाकी सब चीज़ एज वेल एज इट है, आप देख सकते हैं। तो ये जो रूम आप देख रहे हैं ये 8-बेड नॉन एसी रूम है, 5-बेड जिसमें आपको 3-बेड बाहर देखने मिल जाएंगे, 5-बेड काफ़ी बड़ा रूम है देख सकते हैं। उसी की ओर अब हम अंदर की ओर चलेंगे। तो 3-बेड आपको यहाँ पर बाहर देखने मिल जाएंगे, 2-बेड यहाँ पर लगाए हुए हैं और बाकी के तो जो 3 बेड है वो बाहर लगाए हुए हैं। तो ये फैमिली वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये रूम। मेरा नाम ब्रजमोहन दुबे है, महेश्वरी भक्त निवास रामेश्वरम में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। इसमें अपने यहाँ 2 बिल्डिंगें हैं, महेश्वरी भक्त निवास के नाम से फेज 1, एक फेज 2 बिल्डिंग है। फेज 1 में जो कैटेगरी है वो है 2 बेड और 6-बेडेड रूम है, उसमें एसी नॉन एसी दोनों ही है। और महेश्वरी भक्त निवास बिल्डिंग 2 में
थ्री बेड के रूम है और थ्री बेड एसी है, थ्री बेड जो है नॉन एसी में है और फाइव बेड के जो है वो एसी कमरे में भी है और फाइव बेड के नॉन एसी में है और आठ बेड के रूम्स हैं अपने यहाँ मैसूरी भक्त निवास में। फेज वन में खाने की भी व्यवस्था है जो साउथ इंडियन नहीं है, नॉर्थ इंडियन खाना अपने यहाँ मिलता है, थाली सिस्टम रहता है, एक आदमी भरपेट है, शुद्ध शाकाहारी भोजन के हिसाब से रहता है, विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक्स का रहेगा। माहेश्वरी भक्त निवास की जो बुकिंग है दोनों भवनों की बिल्डिंगों की अपनी फेस वन और फेस टू की जो है यात्रा धाम डॉट ओ आर जी के थ्रू बुकिंग आप करवा सकते हैं। ये हमारे जो है जॉइंट मैनेजिंग ट्रस्टी हैं यहाँ के माहेश्वरी भक्त निवास रामेश्वरम के, श्री बंसीधर जी, श्रीमान बंसीधर जी सांडा जी हैं, जय श्री कृष्ण।